कि संघर्ष 2 या हर हर गंगे, आपको क्या लगता है कौन टॉप करेगा इन फ्यूचर? भैया और जगह के तो नहीं बता सकते, लेकिन आरा में पवन सिंह, पवन सिंह का जिला है और पवन सिंह का ये घर है जी, बिल्कुल। तो सब लोग फैमिली है हम लोग पवन सिंह का, और उन्हें सपोर्ट करने आए हैं, और इस फिल्म को हम यहाँ से क्या ऑल टाइम मतलब कि ऑल जगह से इसको हिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे भैया और आगे बढ़े, भोजपुरी आगे बढ़े। अच्छा, क्या लगता है ये दोनों मूवी जो आई है, संघर्ष 2 हो या हर हर गंगे है, ये दोनों मतलब एक भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, भारत की अच्छाइयों को दिखा रही है, दूसरा जो है गंगा जो है साफ करने की बातें की जा रही है, जो नमो गंगे मिशन है, जो नरेंद्र मोदी का मिशन है, जो प्रधानमंत्री का मिशन है, उसको लेके जो है दिखाया जा रहा है, तो इस तरीके से मूवी आनी चाहिए। अगर सपोर्ट भोजपुरवासी नहीं करेंगे, भोजपुरिया लोग नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे मूवी बनाने से लोग डरेंगे, क्या लगता है? हाँ जी, आपने बिल्कुल बात सही कहा कि अगर इस सब मूवी पे अगर हम भोजपुरी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वाकई में ऐसी मूवी नहीं आएगी। तो हमारे मतलब कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब जुड़े कलाकार भी, वो सब लोग भी ऐसे ही फिल्म बनाए, और हमारे भोजपुरी समाज ऐसी ही फिल्म को सपोर्ट करे, ना कि कोई ऐरा गैरा फिल्म का, जैसे प्रधानमंत्री जी के सफाई अभियान पे पवन सिंह बनाए हैं, जिसे अभी संघर्ष भी आप बोले, तो ये हाँ यही सब मूवी आना, मूवी आनी है। कृति काम की है संघर्ष 2 में, जो कि उनकी बेटी है खेसारी लाल यादव की, वो कह रहे थे कि देखिए हम अपनी बेटी को ला दिए हैं, अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि हम अश्लील या खराब मूवी बना रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बेटी को जिस मूवी में लाए हैं वो अश्लील और खराब हो नहीं सकती है, क्या लगता है? भैया देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव का ही खाली बेटी है, कितने भाइयों की वहाँ पे भाई हैं, कितने भाइयों की बहन है, खराब नहीं होना चाहिए, खाने के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी, और अच्छी मूवी आनी चाहिए ताकि लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे, सबको सबको भैया, जितने भी कलाकार हैं सब लोग ऐसी मूवी लाएं, और इस मूवी से सब कलाकार एक्सपायर हों, और यही सब मूवी आनी चाहिए ज़्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में। देखिए हर हर गंगे, हम लोग बस इतना चाहेंगे कि अश्लील खत्म हो भोजपुरी से, क्योंकि हमारे माताएं बहनें सब कोई देखता है, साथ में बैठ के ऐसा मूवी आएगा, साथ में सब कोई बैठ के देखे, बस ये दोनों मूवी तो लग रहा है कि देखेगा लोग साथ में बैठ ना, दोनों मूवी जो है नहीं देखेगा, लेकिन इसका हम जानते हैं, उसका हम नहीं जानते, हर हर गंगे को जानते हैं बस। अभी हम लोग हर हर गंगे के लिए आए हैं, तो हर हर गंगे ही देखेंगे। संघर्ष 2 का ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, देख लिया है, हम देख रहा हूँ नहीं ट्रेलर, लेकिन जो रिव्यू मिला था पवन सिंह, देखिए इसको हम लोग गाँव में पवन सिंह, छोटा पवन सिंह कहा जाता, क्योंकि ये इतना भक्त है ना मेरे गाँव में, नारा लगाते हुए लगाइए तो एक बार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, छोटे पवन सिंह हमारे गांव का, हमारे गांव का सारा बच्चा बच्चा बोलता है कि आप पवन सिंह खेलने जाता रहो। खबर में इतना ही, आप देख रहे थे ऐसा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप जरूर बताइए आपको क्या लगता है, हर हर गंगे या फिर संघर्ष 2, जरूर राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।